So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel, History With Me. In today's lecture, we are going to talk about the most important question of consumer behavior. Consumer behavior, जो कि playlist जो है, वो उसमें mostly important lectures जो हैं, वो मैं already cover कर चुका हूँ. तो उस playlist को अगर आपने अभी तक access नहीं किया, you can access that particular playlist ताकि वो सारे lectures आप जल्द से जल्द देख लो exam से पहले. साथ ही आपको बता दूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वीडियो, वन शॉट वीडियो आने वाली है आपके एग्जाम से पहले. आई नो एग्जाम कुछ ही टाइम में है और सिलेबस काफ़ी पीछे, बट आई विल मेक श्योर कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको वन शॉट में जितना भी थियोरेटिकल पार्ट है 90 प्लस आप आसानी से स्कोर कर पाओ उसके लिए. सो इस वीडियो में आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, दैट पर्टिकुलर वीडियो एज वेल, कि वन शॉट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका कवर हो जाने वाला है. उसके ऊपर काम जो है वो कहीं ना कहीं मैं कर रहा हूँ. सो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. अच्छा, ये जो 12 क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये करके जाते हैं तो आप आसानी से 85 प्लस स्कोर कर पाएंगे. ध्यान से इन क्वेश्चंस को तो करके जाना ही है, ठीक है? तो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं. सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हो लिखा है मीनिंग डेफिनेशन नेचर एंड कंज्यूमर. अच्छा, फिर से मैं बता दूं, कंज्यूमर बिहेवियर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको एक्सेस कर लेनी है, क्योंकि ये जितने भी 12 क्वेश्चंस आप देख रहे हो कहीं ना कहीं एक आध मिसिंग हो सकते हैं, बट मोस्टली जो है टॉपिक्स वो वहां पर कवर करवाए गए हैं. बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी. टाइम कम है तो आप 1.25 स्पीड में देखो, 1.5 स्पीड में देखो. मैं वैसे अगर थोड़ा स्लो बोलता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे भी अगर आप 1.5 और 1.25 में भी देखोगे विद एग्जाम्पल विद इंस्टेंसेस. मैंने हर लेक्चर को कवर करने की कोशिश की है, तो ध्यान से उन लेक्चर्स को देखो, एक्सेस कर लो ताकि 12 क्वेश्चन आप समझ पाओ. यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा आंसर इनका, मैं जस्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा हूँ. तो सबसे पहली वीडियो मैंने इस प्लेलिस्ट में यही बनाई थी, जो कि आपको करके जानी हूँ. कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में वो आपको मदद मिलेगी इसकी, जब आपको पता होगा कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, नेचर क्या है, एडवांटेज ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं. इससे कहीं ना कहीं कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इस बात पर यूनिवर्सिटीज बहुत जोर देती है. आपको भी पता ही है कि कंटेंट जो है वो पता होना चाहिए बच्चे को, बहुत ज़्यादा आना चाहिए. तो आपको इसी वजह से आपको आप सुनते भी होंगे अपने दोस्तों से कि भाई पेजेस कितने भरे. पेजेस भरने के लिए कंटेंट पता होना चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझाई हैं. तो फॉर दैट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग लर्न दीज थिंग्स, बट जस्ट अंडरस्टैंड दोज पॉइंट्स, ताकि आप खुद के शब्दों में वो लिख सको एट द टाइम जब आप एग्जाम दो. सो मीनिंग डेफिनेशन नेचर पहले दो तीन लेक्चर्स में मैंने कवर किया है, तो इसको तो आपको सबसे अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है कि क्या मीनिंग है, क्या मतलब है कंज्यूमर बिहेवियर का, डेफिनेशन क्या है और नेचर क्या है कंज्यूमर बिहेवियर का. देन अनदर क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डू कल्चरल डिफरेंसेज. अच्छा, ये क्वेश्चन में काफ़ी मेहनत की गई है. ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस मेरे को पता था कि भाई आते हैं. मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर निकाले हैं, पहले के पेपर देखे हैं, उनमें मैच करवाई हैं चीज़ें, और कहीं ना कहीं तब जाके ये कुछ 12 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो मैंने देखे हैं, कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड सिलेबस. सो हाउ डू कल्चरल डिफरेंसेज, दूसरा क्वेश्चन काफ़ी देखा गया है, किस तरीके से कल्चरल डिफरेंसेस इम्पैक्ट करते हैं कंज्यूमर चॉइसिस को. यानी कि बेसिकली इसमें हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है. उसमें वन ऑफ द फैक्टर कल्चरल फैक्टर भी था, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, बहुत सारे फैक्टर्स हमने पढ़े हैं. तो वो फैक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको स्टडी कर रहे हैं. स्पेसिफिकली कल्चरल डिफरेंसेस वाला पॉइंट बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसका अलग से क्वेश्चन है कि हाउ डू कल्चरल डिफरेंसेस इंपैक्ट कंज्यूमर चॉइसेस. कल्चर जो है वो दोस्तों कई तरीके से इंपैक्ट करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को. आपने देखा होगा कुछ कल्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें मॉरल वैल्यूज जुड़ जाती है, उसमें जो हमारे एंसेस्टर्स से चले आ रहे कुछ चीज़ें हैं वो भी चली आ रही हैं, वो चीज़ें भी जुड़ जाती हैं. इसमें हमारे रिलीजियस बिलीफ्स जुड़ जाते हैं, हम किन चीज़ों को मानते हैं, ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं. एक इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं रिलीजियस बिलीफ का, कि कुछ जो हमारे बेसिकली धर्म हैं जहाँ पर एल्कोहल कंजम्पशन को बैन नहीं किया गया है, और इवन हम चढ़ाते हैं वो चीज़ें अब. और कुछ ऐसे भी रिलीजन हैं जहाँ पर इसको प्रोहिबिट किया गया है और अल्कोहल को सही नहीं माना जाता है. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि किस तरीके से कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, और उस हिसाब से कंज्यूमर की चॉइसेस देखने को मिल रही हैं. सो
कल्चरल डिफरेंसेस का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है इन 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 द कंज्यूमर बिहेवियर एज वेल एज द परचेजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। साउथ इंडियंस जो है वो कुछ अलग तरीके के मसालों का प्रयोग करेंगे इन व्हेन दे आर ईटिंग देयर फूड और मेकिंग देयर फूड, और सिमिलरली नॉर्थ इंडियंस कुछ अलग तरीके की उनकी जो है कहीं ना कहीं स्टाइल होगी खाने की या खाना बनाने की। सो डेफिनेटली कल्चर का कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को यहाँ पर मिलता है। थर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लेन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है। बेसिकली वेरियस स्टेजेस इसमें होती हैं, तो आपको वो वेरियस स्टेजेस डिस्कस करनी है। मैंने आपको 5 स्टेजेस एक्सप्लेन की हैं, तो वीडियो जरूर देना, बार बार देखना, बार बार कह रहा हूँ कि प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। सो एक्सप्लेन द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा। पहले फ्लो चार्ट बना के आना, फिर अपनी चीजों को वन बाई वन एक्सप्लेन करना। इससे पेजेस भी ज्यादा भरेंगे और कहीं ना कहीं आप एग्जामिनर को लगेगा कि भाई इसको फ्लो चार्ट आता है तो उसको अंदर वाली चीजें भी आती हैं। और कई बार अगर आपको अंदर वाली चीजें नहीं आती होंगी ना, तो ऊपर वाली चीजें देख के आपको नंबर दे देगा। गॉट माय पॉइंट? सो डेफिनेटली एक्सप्लेन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर, दैट इज अ वेरियस स्टेजेस। देन कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, उसके नेचर, उसका टाइप्स। वंस अगेन इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू कंपनीज यूज कंज्यूमर बिहेवियर इनसाइट्स टू डेवलप इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स। इस तरीके के जनरल क्वेश्चन जो है वो काफी पूछे जाते हैं। दैट अगेन ये जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं टू टेस्ट योर नॉलेज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज आपको कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। रटके आप रटने वाली चीजें तो ऑब्वियसली नहीं है, समझने वाली चीजें हैं। सो आपके कंसेप्ट कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, और वी कैन से इट्स अ जनरल क्वेश्चन जो कि आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा है रिगार्डिंग व्हाट यू हैव अंडरस्टूड एंड व्हाट यू हैव स्टडीड इन कंज्यूमर बिहेवियर। अगर आप वो 12 लेक्चर्स देख लो, सॉरी जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे, ज्यादा नहीं होंगे, आई थिंक 10 के करीब होंगे, वो प्लेलिस्ट देख लोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दे सकते हो। फिलहाल अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ इस क्वेश्चन को, किस तरीके से कंपनियां कंज्यूमर बिहेवियर इनसाइट्स का इस्तेमाल करती हैं। हम जानते हैं कंज्यूमर हमारे लिए किंग है, एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इट समहाउ रिवॉल्व्स अराउंड द कंज्यूमर्स ओनली। व्हाट एवर वी आर डूइंग इट कीपिंग इन माइंड दैट हाँ कंज्यूमर्स के लिए हम ये कर रहे हैं। सो वेरियस स्ट्रेटजीज दैट वी आर मेकिंग, द प्लानिंग दैट वी आर डूइंग, the campaigns that we are doing, the promotion strategies, advertising strategies. So whatever we are doing as a marketer, whatever we are doing as a company, it is very significant to understand that we are doing it for consumers. So consumer ki insights bahut important role play karti hai har cheez mein, chahe wo segmentation, targeting, positioning mein ho, kis tarike se aap apne brand ko position karwana chahte ho in the minds of consumers. Once again it's very important, and companies istemal karti hain insights ka, वो देख वो इन इन इन्हीं कंज्यूमर बिहेवियर इंसाइट्स का इस्तेमाल करती है तो अंडरस्टैंड कि कहाँ पर उनको टारगेट करना है, उनके टारगेट कस्टमर्स कौन है, क्या उनकी प्रमोशन स्ट्रेटजीज होंगी, किन मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल करना है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को उन तक पहुँचाने के लिए, एंड सिमिलरली सो मेनी थिंग्स। सो दैट अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट हो रही है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रांडिंग एंड इट्स इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस। डेफिनेटली कंज्यूमर अगर आपसे सेटिस्फाई होगा, वो देखेगा कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज इस तरीके की है कि उनकी नीड्स और वॉन्ट्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मैट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके पास बार बार आएगा। बार बार आएगा तो एक गुडविल स्टैब्लिश होगी, एक लॉयल्टी क्रिएट होगी। लॉयल कस्टमर हमेशा दूसरे लोगों से भी आपके आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, आपकी सर्विसेज के बारे में बताएगा। सो डेफिनेटली इट विल क्रिएट एंड इनहेंस अ ब्रांड। सो डेफिनेटली ब्रांडिंग जो है इसके बारे में आपको समझना होगा कि कितना सिग्निफिकेंट है। किसी भी कंपनी के लिए एक ब्रांड बन जाना, उसके बाद कस्टमर आपके साथ रिटेन रहेगा ही, बट इट डजंट मीन यूल गेट यूल गोइंग टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। यू हैव टू वर्क कॉन्टिन्यूअसली इन दैट पर्टिकुलर पेस जो कि आप पहले कर रहे थे टू सस्टेन योर कंज्यूमर एज वेल। बट अब वंस अगेन ब्रांडिंग अगर होगी तो आपका प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज ही होगा ओवर टाइम। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब ब्रांडिंग हो जाती है ना, तो कंज्यूमर आपके ब्रांड को पहचानने लगता है, रिकोगनाइज करने लगता है। What do you understand by post-purchase evaluation? Once again, मैंने explain किया है इसको कि post-purchase evaluation क्या होता है, then 8th में personality, perception, learning, motivation, attitude. I'm not saying इनकी बढ़िया लंबी लंबी जो theories हैं वो सारी पढ़ो, नहीं, इनका overview ले लो, इनको समझ लो कि बस ये है क्या, और कहाँ पे देखोगे आप ये OB की playlist में, तो OB की playlist भी मैं यहाँ पर description में डाल दूंगा, डाल दी है, तो अब जाके OB की playlist में से ये टॉपिक्स, बट ओवरव्यू जल्दी जल्दी 4-4, 5-5 मिनट के जो पहले लेक्चर है इनके, पर्सनालिटी का पहला लेक्चर, परसेप्शन का पहला लेक्चर, लर्निंग का पहला लेक्चर, बस पहला लेक्चर देख लो टू हैव दैट क्लैरिटी अराउंड दिस की है क्या। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस।
कॉग्निटिव डिसोनेंस में मैंने देखा है कि कई बार शॉर्ट नोट पूछा गया है। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? बहुत सिंपल चीज होती है, फिर भी हम सोचते हैं कि बहुत भयंकर टर्म है ये, तो मैं हम कर नहीं पाएंगे। नाउ द टेंशन बिटवीन व्हाट यू बिलीव, कुछ चीजें होती है जो आप बिलीव करते हो, देन देर आर थिंग्स दैट यू एक्चुअली डू। सो आपने जो सोचा, आप जो ट्रस्ट रखते हो अपने अंदर, आपके अंदर जो बिलीव्स हैं, देन देर आर थिंग्स दैट यू एक्चुअली डू। द टेंशन बिटवीन दैट, जो आप बिलीव कर रहे हो एंड देन व्हाट यू डू, तो ये जो साइकोलॉजिकल टेंशन अराइज होती है बिकॉज ऑफ दैट, दैट्स वॉट कॉग्निटिव डिसोनेंस इज। इट इज अ टेंशन बिटवीन वॉट यू बिलीव एंड वॉट यू डू, एंड नाउ योर ब्रेन इट ट्राइज टू मेक सेंस ऑफ इट। सो दैट्स वॉट द साइकोलॉजिकल स्टेट इज नथिंग बट दैट्स वॉट कॉग्निटिव डिसोनेंस इज। इट्स अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसकम्फर्ट, आई वुड से। देन कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस, वंस अगेन इसको कर लेना अच्छे से। एटीट्यूड चेंज, वंस अगेन एक जनरल क्वेश्चन आपको दिख के आया ये था, और एक जनरल क्वेश्चन यहां पर ये, यहां पर बोला गया कि एटीट्यूड चेंज जो है, एटीट्यूड जो होता है इंसान का, अब अगर आप देखो कि भाई आपका विद टाइम एटीट्यूड चेंज हुआ है कि नहीं, अगर आप देखोगे अपने आप को, सोचोगे इस बारे में कि भाई 2-3 साल पहले आप किस तरीके से चीजें सोचते थे, किस तरीके से आप अपनी चॉइसेस लेते थे, किस तरीके से आप लोगों को देखते थे, उनसे बातें करते थे, हर चीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल सेंस में कि आप किस तरीके से चेंज हुए, बट आपका एटीट्यूड भी एक चेंज होता है ओवर टाइम। सो दैट एटीट्यूड चेंज इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है कहीं ना कहीं जो कि जो चीज होके रहेगी। इनएविटेबल मतलब यू कांट अनडू दैट, दैट चेंज इज गोइंग टू हैपन नो मैटर वॉट, जो होना ही है वो, दैट्स इनएविटेबल। होता है ना इनएविटेबल ट्रुथ, कि भाई ये एक ऐसा सच है जो कि इनएविटेबल है, ये है, सच है तो सच है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। सो दैट्स इनएविटेबल। सो जो एटीट्यूड चेंज होता है, जो चेंजेस इन एटीट्यूड होते हैं, ये इनएविटेबल होते हैं, और कहीं ना कहीं इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, और यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू चेंज एन एटीट्यूड। अगर आप कंज्यूमर के भी एटीट्यूड को चेंज करवाना चाहो, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्योंकि होता क्या है कि एटीट्यूड जो है ये कैसे बनता है, एक्सपीरियंसेस से बनता है, आप जिन चीजों को मानते हो उससे बनता है, आप जिन लोगों के अराउंड में रह रहे हो उनसे बनता है, कहीं ना कहीं सोसाइटी के अराउंड रह रहे हो तो उनसे आप कॉन्वर्सेशन करते हो, आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हो उनके, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड फॉर्म करती हैं आपका। अब ये जो चीज होती है बहुत रिजिड होती है, यू आर ऑलवेज फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज, आप चेंजेस अडेप्ट करने में उतने अच्छे नहीं हो डेफिनेटली। सो उन चेंजेस से कोप अप कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे माइंड में हम पैटर्न के हिसाब से चलते हैं, हम देखते हैं कि भाई एक सेम रूटीन चल रहा है, तो सेम रूटीन चल रहा है, सो वी आर फीलिंग कंफर्टेबल विद इट, बट इमीडिएटली अगर कोई चेंजेस आ गए हमारे, सडन चेंजेस आ गए, सो हम एकदम घबरा जाते हैं, हम पैनिक मोड पे आ जाते हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट अकस्टम्ड टू दोज चेंजेस, बट वी हैव टू, स्पेशली इन टूडेज एरा, वी हैव टू यू नो गेट इन टर्म्स विद दोज चेंजेस एज वेल। So attitude change is quite inevitable and consumes more time and efforts explaining. यही सारी चीजें आपको explain करनी अपने शब्दों में। It's very general question. Then 12th question is reference group और उसका influence क्या है purchase decision making process में। Reference group क्या होते हैं? देखो reference group basically होते हैं ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं आपको influence करते हैं basically I would say in your purchase behavior as well. सो रेफरेंस ग्रुप की अगर मैं डेफिनेशन आपके आपको बोलूं, अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो, इट्स अ सोशल ग्रुप दैट एन इंडिविजुअल यूजेस। कोई इंडिविजुअल, हम और आप, ऐसा तो नहीं हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो हम तुरंत खरीद लेते हैं, हम दूसरों की बातें सुनते हैं, हम दूसरों को रिव्यूज देखते हैं बहुत सारे, हम 2-4 लोगों से बात करते हैं, तब जाके हम किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं। सो हमने किसका इस्तेमाल किया? हमने रेफरेंस ग्रुप का इस्तेमाल किया। वो रेफरेंस ग्रुप वो फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, who we aspire to be like. So basically it's a social group that an individual uses as a standard for evaluating their own attitudes, beliefs and behavior. So it can be your family, it can be your friends or anyone you aspire to be like. So ek significant effect dekhne ko milta hai reference group ka on the purchase behavior. So ye I think us playlist mein nahi hai, but aap koi bhi article iske bare mein padh ke apni clarity ko aur badha sakte ho. I've just now told you ki ye kya hai. So, ये 12 क्वेश्चंस आपको जरूर करके जाने हैं, और टॉकिंग अबाउट दैट प्लेलिस्ट अगेन, वो प्लेलिस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जल्द आएगी, वन शॉर्ट वीडियो। सो चैनल को अपना प्यार दें, अपने बेस्ट फ्रेंड से जरूर शेयर करें, उसको धोखा मत दें।
सबको दे सकते हैं आप, बेस्ट फ्रेंड को नहीं। धोखा इसलिए क्योंकि आप चैनल शेयर नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर नहीं कर रहे। सो एटलीस्ट शेयर इट विद योर बेस्ट फ्रेंड एंड कीप सपोर्टिंग मी, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट मोटिवेट्स मी कि आप चैनल को शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आप लाइक कर रहे हो, कॉमेंट कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो। दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू मी। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर।